हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग देखने वाले हैं अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन बाय मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। ये वर्क 18th century में लिखा गया है, जिसको लिखा है ब्रिटिश प्रोटो फेमिनिस्ट मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट फेमिनिस्ट फिलोसफी वर्क है। 18th century में कुछ ऐसे पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे जो कि मानते थे कि वुमेन को रैशनल एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है। रैशनल मतलब होता है एबल टू यूज लॉजिकल थॉट रादर देन इमोशंस टू मेक डिसीजंस। सीधे भाषा में कहें तो तर्क करना, मतलब हमें किसी पॉइंट को लेके उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, उस चीज की एजुकेशन की जरूरत वुमेन को नहीं है। ऐसे कुछ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे 18th century में, वो ये मानते थे। इसी चीज के रिस्पॉन्ड में वॉलस्टोनक्राफ्ट ने यह वर्क लिखा था। चार्ल्स मॉरिस करके एक जन थे, 1971 में इनकी रिपोर्ट थी फ्रेंच नेशनल असेंबली में, उसको पढ़ने के बाद ये वर्क लिखने का वॉलस्टोनक्राफ्ट ने तय किया। इस रिपोर्ट में ये था कि वुमेन को सिर्फ डोमेस्टिक एजुकेशन ही मिलनी चाहिए। ये जो वर्क है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, इसमें टोटल 13 chapters हैं। अगर मैं सिर्फ एक सा समरी बता दूंगी तो कुछ भी सेंस नहीं बनेगा, इसलिए मैं अलग अलग चैप्टर्स के साथ अलग अलग समरी बता रही हूँ। चैप्टर 1, द राइट्स एंड इन्वॉल्व ड्यूटीज ऑफ मैनकाइंड कंसिडर्ड। ओके, तो इसमें वॉलस्टोनक्राफ्ट कहती हैं, अगर हमें किसी भी चीज को लेके आर्गुमेंट करना है तो उसके लिए हमें उसकी बेसिक अजम्पशंस होनी चाहिए। अगर मुझे सपोज किसी चीज के लिए मैं आर्ग्यू करने जा रही हूँ तो उसको क्या मानते हैं लोग, क्या अजम्पशंस है, वो हमें पता होनी चाहिए। जो पहला अजम्पशन है, मतलब पावर ऑफ रीजन। रीजन मतलब कारण, कोई चीज क्यों होती है, किस कारण से होती है, वो चीज हमें रीजन करने की पावर है ह्यूमन बीइंग में। और ये रीजन ही है जो हमें नेचुरल वर्ल्ड में अर्थ पे दूसरे चीजों से अलग करता है, ह्यूमन बीइंग को अलग करता है, रीजन करने की पावर। और इनका दूसरा अजम्पशन ये था कि वर्च्यू और मॉरल गुडनेस, ये एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन से बेटर बनाती है। ऑब्वियस सी बात है, लोग कहते हैं ना जिसमें अच्छाई है, मॉरल चीजें हैं, वो दूसरे से बेटर है। और इनका थर्ड अजम्पशन ये था कि गॉड हमें पैशन और टेम्पटेशन देता है कि ताकि हम उसके अगेंस्ट जाके नॉलेज गेन कर सके। अभी सपोज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, किसी का भी पढ़ने का मन नहीं, उसको मूवी देखना है या कहीं बाहर जाना है, तो इन सब चीजों से वो हट के अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, मतलब नॉलेज गेन करने के लिए अपने टेम्पटेशंस को छोड़े। इस चीज के स्टार्टिंग पॉइंट रहने वाले हैं क्वालिटीज ऑफ रीजन, वर्च्यू एंड नॉलेज। रीजन ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम अपने प्रेजिडस से बाहर आ सकते हैं। प्रेजिडस को हिंदी में तो पक्षपात कहते हैं, बट ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। सपोज अगर कोई फाइट होने वाली है तो उसमें जो बॉडी बिल्ट जिसकी ज्यादा रहेगी, हम उसी को सोचेंगे कि वही वो फाइट जीतेगा। पर ऐसा भी हो सकता है अगर उसका कोई अपोनेंट है, वो थोड़ा सा मतलब वीक दिख रहा है बट वो अंदर से पावरफुल है, ऐसा होता है कभी कभी। बट हमारे दिमाग में क्या प्रेजिडस है कि उसकी बॉडी बिल्ट अच्छी है तो वो अच्छा खेलेगा और वही जीतेगा। ये भी हो सकता है कि सामने वाला भी जीत सकता, कोई भी जीत सकता, बट हमारा दिमाग यही जाता है कि वो बॉडी बिल्ट वाला ज्यादा बेटर रहेगा। ये होता है प्रेजिडस। जो रीजन टर्म है ना, कारण, तर्क जिसे कह सकते हैं, इसकी वजह से हम अपने प्रेजुडिस से बाहर आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। बट जो मोस्टली मेन है, ह्यूमन बीइंग, वो अपने प्रेजुडिस को जस्टिफाई करने के लिए रीजन का यूज करते हैं। बहुत डीप बात है, समझते रहना। अब वॉलस्टोनक्राफ्ट में ये अपने समय पे लिखी है, यूरोप ठीक जगह नहीं है अगर ये बात, जब अगर बात प्रेजुडिस की आती है तो। अगर वॉलस्टोनक्राफ्ट के टाइम पे सोसाइटी को देखे तो ये इरेशनल और अनफेयर दिखेगी, जहाँ पे थोड़े लोग अमीर हैं जो कि किंग्स, क्वींस और अदर रॉयल्टीज में पैदा होते हैं, और बाकी लोग ऑर्डिनरी हैं। वॉलस्टोनक्राफ्ट में जी जैक्यूस को मेंशन किया है। ये वर्ल्ड से इतने फेड अप हो गए थे कि ये सबको छोड़ छाड़ के सॉलिट्यूड में रहने लगे थे। वॉलस्टोनक्राफ्ट ने इनके जो ये बिलीफ से डिसएग्री करते हैं कि अगर हमें कोई चीज सही नहीं लगती है तो हम उसको छोड़ के चले जाएं, मतलब नेचुरल स्टेट पे चलना सही है। मतलब ये जीन जैक्यूस ये मानते थे कि इंसान को नेचर से ज्यादा कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब कि एनिमल्स की तरह बिहेव करना चाहिए। बट वॉलस्टोनक्राफ्ट इस बात से एग्री नहीं करती हैं। वो कहती हैं कि गॉड ने हमें
रीजन और सिविलाइजेशन दिया है क्योंकि हम चीजों को अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। और ये भी मानती हैं कि ह्यूमंस ने इस गिफ्ट को अब्यूज किया है, दुरुपयोग किया है। वो गवर्नमेंट की भी थोपी हुई चीज से डिसएग्री करती हैं। वो ऐसी किसी भी चीज को जस्टिफाई नहीं करती जिसमें एक पर्सन को दूसरे पर्सन को ब्लाइंडली फॉलो करना होगा, जैसे कि स्कूलों में होता है और वर्क प्लेस में होता है। जैसे कि स्कूलों में बच्चों को और वर्क प्लेस में बॉस की बातों को फॉलो करना ही पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे हर ह्यूमन बीइंग को दूसरे ह्यूमन बीइंग के राइट्स को, मतलब उनके डिसीजंस को क्वेश्चन करने का राइट है ऑन रैशनल बेसिस पे। ये बात कभी भी सही नहीं होती कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन से बोला जाए ये तुम्हें करना होगा, क्योंकि ऐसा ही होता है। वॉलस्टोनक्राफ्ट का मानना यह है कि अर्ली डेज में ह्यूमैनिटी के जो बिगेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल होते थे वो दूसरे पे रूल करते थे। पर अब हम रीजन के एज में है, ब्रूट फोर्स की जरूरत नहीं है। ब्रूट फोर्स मतलब जबरदस्ती किसी चीज पे कब्जा कर लेना आर्मी वगैरह के द्वारा, ये कोई वैलिड बेसिस नहीं है। ब्रूट फोर्स एक पीपल को दूसरे पीपल से अग्री कराना चाहिए, बट रैशनल आर्गुमेंट से, रैशनल बेसिस पे। तो चैप्टर 2, द प्रिवेलिंग ओपिनियन ऑफ अ सेक्सुअल कैरेक्टर डिस्कस्ड। कई सारे मेन थे जिन्होंने आर्ग्यू किया था कि वुमेन में इनफ मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो खुद को मॉरली स्ट्रॉन्ग बना सके, मेन की गाइडेंस की जरूरत होती है। बट वॉलस्टोनक्राफ्ट ने बिलीव करती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वुमेन में अगर सोल है तो वो भी सेम रैशनल पावर रखती है जैसे कि मेन रखते हैं। या फिर ये मैन ये प्रूफ कर दे, ये क्लेम कर दे कि वुमेन में सोल ही नहीं होती। ये कैसा भी आदमी हो, वुमेन को कितना भी हेट करता हो बट इतना भी वर्स्ट नहीं कर सकता, इसको करने में वो हेजिटेट करेगा। सबसे बड़ा चैलेंज है वुमेन्स की एजुकेशन में कि ये बिलीव कि उन्हें बच्चों की तरह इनोसेंट रखना चाहिए और उन्हें सिर्फ ये स्किल्स सिखानी चाहिए जिससे वो अपने फ्यूचर हस्बैंड को प्लीज कर सके। वॉलस्टोनक्राफ्ट ये एग्री करते हैं कि कुछ एक्सटेंट्स तक यंग बच्चों को इनोसेंट रखो, पर ये चीज वुमेन के लिए अप्लाई नहीं होती। ऐसा टाइम आता है जब हर ह्यूमन बीइंग को अपने लिए सोचना पड़ता है और उसे इस चीज के लिए इनकरेज करना चाहिए। चीजें ऐसी रहेंगी तो जो वुमेन है वो एज अ सोसाइटी मेंबर टोटल वो यूजलेस रहेंगी। जीन जैकोसी मानते हैं कि मेन परफेक्टली रैशनल होते हैं, वुमेन को उनको फॉलो करना चाहिए। बट वॉलस्टोनक्राफ्ट आर्ग्यू करती हैं कि सारे मेन, सारे नहीं तो मोस्ट मेन, सारे नहीं, ओवरग्रोन चिल्ड्रन है। अगर ऐसी ही एजुकेशन सिस्टम रहेगी तो जो वुमेन है वो चीजों को सरफेस लेवल पे, मतलब ऊपर ऊपर से ही समझ सकती, डेप्थ चीजों की समझ ही नहीं सकती। इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए जरूरी है कि हम चीजों को गहराई से समझें। इसी वजह से जो वुमेन्स के जो व्यूज होते हैं वो शल हो जाते हैं, खोखले करार कर दिए जाते हैं। यही सेम चीज मिलिट्री सोल्जर्स के साथ होती है, उनको भी सिर्फ अपने हायर ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं। ये जो डिस्कशन है कि जो वुमेन है वो कमजोर है, उनको मेन की गाइडेंस चाहिए, वो इन सब चीजों को खारिज कर देती है। वो बोलते हैं कि वुमेन स्ट्रांग है और वो खुद के लिए सोच सकती है। वॉलस्टोनक्राफ्ट ये भी क्लियर करना चाहती है वो कोई रिवर्सल ऑफ सिचुएशन नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि जो वुमेन है वो मेन से ऊपर है, वो बस बराबरी चाहती है कि वुमेन को भी इंडिपेंडेंस मिल सके, कि उनका भी माइंड डेवलप हो सके। वो ये मानती है कि वुमेन के भी जो काम है वो ग्रेटर हो सकते हैं, ना कि सिर्फ मेक मैन फॉल इन लव विथ हरसेल्फ, इससे ज्यादा भी उनके पास काम हो सकते हैं। फिर वॉलस्टोनक्राफ्ट डॉक्टर ग्रेगोरी के बारे में बात करती है, उन्हें क्रिटिसाइज करती हैं। डॉक्टर ग्रेगोरी ने एक बुक लिखी थी जिसमें वो ये बता रहे थे कि वो चूज करते हैं कि कैसे वो अपनी डॉटर्स को रेस करें, कैसे अपनी डॉटर्स को वो बड़ा करें। स्टार्ट में ये बोलते हैं कि वो अपनी डॉटर्स को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो जो कपड़े हैं वो ठीक तरीके से पहने, अच्छे से पहने, कपड़े कैसे पहनना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इनके बुक में, इनकी एक्चुअली बुक्स में। वुमेन को अच्छे से ड्रेस होना चाहिए, पसंद होना चाहिए, इसी से ही इनको सोसाइटी में पावर मिलती है। दूसरी एडवाइस ये अपनी बेटियों को ये देते हैं कि इनको अपने ट्रू इमोशंस को छुपाना चाहिए, जितना भी छुपा सके। जो उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो दिखानी नहीं चाहिए, शो मत करो अपनी फ्रस्ट्रेशन, ये वुमेन की ड्यूटी है। वॉलस्टोनक्राफ्ट मानती हैं कि मेन और वुमेन के बीच में ट्रूएस्ट जो बॉन्ड है, सबसे सच्चा बॉन्ड, वो फ्रेंडशिप है, ना कि लव। लव को वॉलस्टोनक्राफ्ट कनेक्ट करती हैं सेक्स और रोमांस से, बट फ्रेंडशिप में वो बॉन्ड है जो कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट से बनता है, रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल। लव की जो शाइन है वो जल्दी खत्म हो जाती है, बट जो फ्रेंडशिप है वो लाइफ टाइम चलती है।
अगर लोग लाइफ आफ्टर डेथ नहीं मानते, अगर आफ्टर लाइफ को नहीं मानते, तो उनका मोटिव लाइफ में प्लेजर हो सकता है, बट वोलस्टोनक्राफ्ट लाइफ आफ्टर डेथ मानती है, आफ्टर लाइफ मानती है, इसलिए उन्हें अपना जीवन, मतलब लोगों को अपना जीवन सही से बिताना चाहिए। अगर डॉक्टर ग्रेगोरी की बात माने तो वुमेन की जो लाइफ है वो शादी के बाद खत्म हो जाती है, उनके पास बाद में कुछ अकम्प्लिश करने के लिए होता ही नहीं है। वुमेन की जो स्ट्रेंथ है वो हमें तब तक नहीं पता चलेगी जब तक मेन और वुमेन को इक्वल सर्कमस्टेंसेस ना मिले। जब तक दोनों को बराबरी चीज मिलेगी तभी हमें पता चलेगा कि वुमेन मेन से बेटर कर सकती है, उनसे अच्छा कर सकती है या उनकी तरह कर सकती हैं। अगर मैन वोमेन से सुपीरियर है तो उनको प्रूव करने के लिए दोनों को इक्वल सर्कमस्टांसेस दो, सेम सर्कमस्टांसेस दो। ज्यादा से ज्यादा बुरा यही होगा कि जितनी औरतें उनमें से कुछ की तो स्थिति ठीक होगी, मतलब सबकी नहीं हो पाएगी तो कुछ के तो हालात सुधरेंगे। मैन के पास वही राइट है ओप्रेस करने का वुमेन को जो कि किंग के पास है, दूसरे आदमी अपने आम जनता को दबाने का, उनको ओप्रेस करने का वही राइट है जो मैन के पास है, वही राइट है। मैं नीचे इंस्टाग्राम की आईडी लिंक ऐड कर दे रही हूँ, तो कुछ भी डाउट रहेगा तो डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, 3rd चैप्टर से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।